नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण न्यू अपडेट की। समग्र प्रगति प्रतिवेदन जो एक नई अपडेट है, अभी अपडेट हुई है। सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से लेकर चार तक की जो विद्यार्थी हैं उनको ये वितरित किया जाएगा। साथ ही में A to Z जानकारी इससे संबंधित हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो समग्र प्रगति प्रतिवेदन है क्या, तो इसका एक प्रिंट हमने डाउनलोड किया है। प्रिंट कैसे डाउनलोड करते हैं इसकी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। इसके लिए सबसे हमको ओपन कर लेना है गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में जैसे ही साला दर्पण हम टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको लॉगिन नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक लाइन चलती हुई दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। न्यू के ऊपर एक लाइन चल रही है, छात्रों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड 1 से 4। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो फाइल सेक्शन है वहाँ डाउनलोड हो जाएगा, और उसको आप जिस भी PDF व्यूवर में देखना चाहते हैं उसको उसमें देख पाएंगे। उसके बाद में पूरा जो इंटरफेस है समग्र प्रगति प्रतिवेदन का, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ आपको दो तरीके से ये मिलेगा। ये जो साइड है ये आपको ऊपर से कॉपी करवानी है, और इसके नीचे जो साइड हमने दिखाई है ये वाली, ये आपको नीचे से कॉपी करवानी है। तो मतलब एक पेज में ये डबल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिटेल्स है जो हमको भरनी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ चिपकाना है। उसके बाद में प्राथमिक कक्षाओं के लिए सत्र दिया गया है, तो सत्र आप यहाँ फिलअप कर पाएंगे। विद्यालय का नाम, NIC कोड जो 6 अंक की ID होती है वो आप यहाँ फिलअप करेंगे, डाइस कोड भर देंगे, और ब्लॉक कौन सा लगता है ये सारी की सारी डिटेल आप फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए दो NIC कोड यहाँ देख रहे हैं आप। पहले तो विद्यालय का NIC कोड आपको भरना है, उसके बाद में जो छात्र है उसका NIC कोड आपको भरना है। छात्र का NIC कोड आपको कहाँ मिलेगा ये हम आपको बताते हैं कि जैसे ही आप साला दर्पण पर लॉगिन करेंगे तो आपको प्रपत्र 4 में जाना है। प्रपत्र 4 में जाके वहाँ पर जो आपसे सेशन मांगा जाए, क्लास मांगी जाए, वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में आपको विद्यार्थी की जो NIC ID है वो देखने को मिल जाएगी। कक्षा यहाँ फिलअप कर देनी है, नाम, पिता का नाम, SR नंबर, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद में चिकित्सा विभाग से समन्वय करके जो प्रविष्टियाँ यहाँ करनी है, तो आपके पास रिपोर्ट कार्ड है, उसमें से आप देख के यहाँ भर पाएंगे कि बालक CWSN यदि है तो उसकी भी डिटेल यहाँ भर पाएंगे। ब्लड ग्रुप कौन सा है, हीमोग्लोबिन कितना है, सत्र प्रारंभ में और अंत में, ये सारी डिटेल आपको जो चिकित्सा अधिकारी आते हैं छात्र का स्वास्थ्य परीक्षण करने वहाँ से भी मिल सकती है। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनके पास ये सारी की सारी डिटेल मिल सकती है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद में अभिरुचि, तो विद्यार्थी द्वारा या फिर स्वयं अध्यापक द्वारा यहाँ भरी जावे, तो यहाँ पर बच्चे की रुचि आपको भरनी है। प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक और अध्ययन हेतु आगामी कक्षा, ये आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में जो डिटेल है यहाँ माह है दे रखा है, कार्य दिवस और उपस्थिति, तो अटेंडेंस यहाँ आपको अटेंडेंस रजिस्टर से फिलअप कर देनी है। उपस्थिति का प्रतिशत, उपस्थिति में आपको यहाँ पर 3 ग्रेड निर्धारित करनी है। पहली नियमित, दूसरी मिडिल और तीसरी है अनियमित। यदि बच्चा बहुत ही ज़्यादा कम आता है तो उसके लिए आप अनियमित भी कर सकते हो।
नियमितता और ठहराव की यहाँ टिप्पणी देनी है, समय की टिप्पणी और फीडबैक यहाँ देना है। ये सारा का सारा जो कार्य है ये आपको करना है। उसके बाद में कुछ स्पष्टीकरण है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यह समग्र प्रतिवेदन सत्र के अंत में विद्यार्थी को प्रगति पत्र के रूप में दिया जाएगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाना है। यह प्रतिवेदन विद्यालय में संधारित विद्यार्थियों के समग्र अभिलेख जो पोर्टफोलियो है हमारे पास वहाँ से तैयार किया जाना है। योगात्मक आकलनों में अधिगम उपलब्धि के लिए ए बी सी और ग्रेड दिए गए हैं। ए का मतलब है स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना, बी का मतलब है शिक्षक की सहायता से, और सी का मतलब यहाँ विशेष सहायता की आवश्यकता वाला बच्चा। चौथा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि सभी विषयों में योगात्मक आकलन के अंतर्गत छात्र स्तर व ग्रेड का कॉलम दिया गया है। कक्षा स्तर के कॉलम में विद्यार्थी ने टर्म के दौरान जिस कक्षा स्तर की अवधारणाओं या दक्षताओं का प्रदर्शन किया है उसका यहाँ अंकन किया जाना है। उसके बाद में जो समय की टिप्पणी है वो यहाँ डालनी है। नियमितता दर्शाने के लिए यहाँ देखिए तीन कंडीशन दी रखी है। 70% से यदि अधिक उपस्थिति है तो वो नियमित होगा, 50 से 70 के बीच में होगा तो वो मध्यम उपस्थिति वाला होगा, और 50 से यदि कम है तो वो कम उपस्थिति वाला यहाँ होगा। पुस्तकालय के उपयोग की स्थिति को भी ए बी और सी ग्रेड से दर्शाना है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद में जो अगला कॉलम है इसका विद्यार्थी के बारे में जो जानकारी है, विद्यार्थी का क्रम आएगा यहाँ, नामांकन कक्षा, विद्यार्थी का नाम, आधार रेखा, मूल्यांकन या फिर पदस्थापन मूल्यांकन से प्राप्त कक्षा कौन सी है। अब देखिए कक्षा का स्तर यहाँ पर हम शो करेंगे हिंदी, इंग्लिश और अंग्रेजी में। साथियों हम जानते हैं कि हमको वर्कबुक जो मिली हुई है उसमें हमको बालक का जो निर्धारण है, मान लेते हैं कि बालक है वो चौथी क्लास में पढ़ रहा है, कक्षा 4 में पढ़ रहा है, तो यदि उसका स्तर कक्षा 4 का है तो उसको हम अग्रिम क्लास में भेजेंगे, और यदि कक्षा 4 का नहीं है, दूसरी और तीसरी का है, तो उसको हम दोबारा से 4 में ही रखेंगे। और उसके लिए जो गवर्नमेंट के आदेश हैं ब्रिज कोर्स के वो सारे के सारे नियम अप्लाई होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है। उसके बाद में व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्ति की बात यहाँ कही गई है, और यहाँ जो ऐसे वन और ऐसे थर्ड ये शो हो रहा है, तो इस बार जो हमको पता है ऐसे वन और ऐसे थर्ड बिल्कुल नहीं हुए, और उसकी जगह पे जो टेस्ट फर्स्ट है, प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट यहाँ पर ये हुए हैं। थर्ड टेस्ट का मतलब जो अर्धवार्षिक परीक्षा है हमारी, उसके पश्चात जो पहला टेस्ट है उसमें जो पूर्णांक आए हैं 20 नंबर, जो मूल्यांकन हमारा रहा है उसमें फर्स्ट, सेकंड और जो हाफ ईयरली है उसका 20 नंबर पहले टेस्ट का था और दूसरे का भी 20 था, और जो 60 नंबर की हमारी हाफ ईयरली थी। तो इस तरीके से हमको 100 नंबर में से ये नंबर देने हैं। तो यहाँ ऐसे वन और ऐसे थर्ड से कोई वो नहीं रखना है, उसके हिसाब से नंबर देना है। और यदि अग्रिम आदेश आते हैं राजकीय तो आप उनको फॉलो करेंगे। अभी तक जो सूचनाएं हैं वो कुछ इसी प्रकार की है, सहयोग और देखभाल, आत्मविश्वास और पहल, तो ये आपको इस तरीके से कर देना है। समय की पाबंदी, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, तो इसमें फर्स्ट और तृतीय योगात्मक आकलनों की सहायता से टिक करना है। तो जो बात मैंने अभी बताई है, आकलन की जगह आप टेस्ट पढ़ेंगे और उसके आधार पे सारी की सारी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद में जो प्रगति पत्र का तीसरा भाग, चौथा भाग है, इसमें हिंदी, अभी तक हम जो
शिशि ई की डायरी भरते आए हैं उससे मिलता जुलता स्वरूप है, और इसमें आपको जो ऐसे फर्स्ट है इसको मान लेना आपको फर्स्ट टेस्ट, यहाँ सेकंड टेस्ट, और तीसरा जो रह गया हाफ ईयरली, ये चारों के चारों करके आपको जो मूल्यांकन है सारा वो करना है। हिंदी के अंदर ये क्षेत्र हैं, तो इसमें आपने जो बालक का आकलन किया है उसकी ग्रेड देनी है। उसके बाद में गणित, गणित के क्षेत्र दिए गए हैं और इंग्लिश के क्षेत्र दिए गए हैं। यहाँ पर्यावरण के भी दिए गए हैं, लेकिन ये पर्यावरण के लिए जो पेन पेपर टेस्ट हुआ है, फर्स्ट टेस्ट जो है फर्स्ट टेस्ट तो वैसे नहीं हुआ इनका, और इसमें यहाँ ऐसे 1, 2 और 3 में आपको जो अपने पास रिकॉर्ड है वो हम यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद में अभिभावक, और जो अभिभावक के यहाँ दो, तो एक यहाँ मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, या फिर कोई बहन भाई, तीन तीन अभिभावकों के यहाँ सिग्नेचर किए गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जो आदेश जारी हुआ था, यह आदेश आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको देख लेंगे किस प्रकार से जो मूल्यांकन है पेन पेपर टेस्ट का क्लास 1 से लेकर 4 तक वो करना है। और इस समग्र सूचना को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारा का सारा जो प्रतिवेदन है वो फिलअप करना है और छात्रों को देना है। इस संबंध में कुछ क्यूरीज हो तो वो आप हमें को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।